सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और इस बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। मर्दों से परेशान होकर मॉडल ने खुद से कर ली थी शादी। शेख ने कहा 3 करोड़ लो और मेरे पास आ जाओ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपने ऐसे कई किस्से सुने होंगे जब पति पत्नी के रिश्ते बेहतर नहीं चल पाए और उन्होंने तलाक ले लिया। कई बार रिश्तों के टूटने की वजह आपसी संबंध न बन पाना रहा, तो कई बार मजबूरियां। लेकिन तलाक लेने के बाद दंपत्ति कोई दूसरा साथी ढूंढ लेते हैं, उनसे शादी कर लेते हैं। लेकिन अब एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसके बारे में सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक ब्राजीलियन मॉडल ने अपने बॉयफ्रेंड से तंग आकर कोई दूसरा बॉयफ्रेंड नहीं बनाया और न ही किसी और से रिश्ता जोड़ा, बल्कि उसने खुद से ही शादी कर ली। ब्राजील के साओ पाओलो की 30 साल की क्रिस गैलरा ने, जो एक मॉडल है, उन्होंने ये चौंकाने वाला निर्णय लिया है। दरअसल क्रिस अपने पुराने बॉयफ्रेंड से तंग आकर लंबे समय से अकेली रह रही थी। पहले उन्हें लगता था कि खुद को खुश रखने के लिए किसी साथी की जरूरत होगी, लेकिन उसने कुछ समय तक अकेले रहने के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है और वह अकेले रह सकती है। क्रिस अंततः खुद से ही शादी करने का फैसला लिया और दुल्हन की तरह सज धज कर चर्च में अपने आप से ही शादी कर ली। क्रिस गैलरा एक जानी मानी मॉडल है। इंटरनेट पर लोग उनकी बोल्डनेस के दीवाने हैं। खुद से शादी करने की खबर भी उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल के जरिए ही सबको बताई। पहली नजर में तो किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मीडिया रिपोर्ट में देखा तो हर कोई यह देखकर हैरान रह गया। क्रिस ने अपनी शादी के बारे में एक चैनल से बात करते हुए शादी से जुड़े दूसरे खुलासे भी किए। उन्होंने बताया कि जैसे ही उनकी लड़कों से तंग आकर उससे शादी करने की बात लोगों को पता चला, तो उन्हें कई लड़कों के ऑफर आने लगे जो उनसे शादी करना चाहते थे। क्रिस के लिए सबसे चौंकाने वाला ऑफर था अरब के एक अमीर शेख का। क्रिस ने बताया कि शेख ने उन्हें ऑफर देते हुए खुद से तलाक लेकर उससे निकाह करने के लिए कहा। शेख ने उनसे वादा किया कि अगर वह ऐसा करती हैं, उसके बदले में उन्हें 3 करोड़ रुपए देगा। हालांकि क्रिस चुप नहीं रही। उन्होंने अपने इस अपमान का जवाब देते हुए शेख को जवाब में लिखा कि वो बिकाऊ नहीं है और वो उस शख्स को जानती भी नहीं है, इसलिए वो सिर्फ पैसों के खातिर शादी नहीं करेगी।